अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी दिलशाद अंसारी। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। इस वक्त जो है मैं पार्क सर्कस में हूँ, जहाँ पे एक एहतजाज पुरसकून तरीके से किया जा रहा है नुपुर शर्मा के खिलाफ। जैसा कि हमने आपको बताया था, इससे पहले आप लोगों ने आवाज़ फाउंडेशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उसी में बताया गया था कि आज जो है एक एहतजाज जो है पार्क सर्कस में होने वाला है। तो हम जो है उसी एहतजाज में आप पहुंचे हैं और यहां पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से पार्क सर्कस में जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यहां पे लोगों की बहुत ही भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उलमाए कराम भी आए हुए हैं। तो आइए, आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और देखते रहिए, हम आपको दिखाएंगे लाइव अपडेट अपने चैनल की तरफ से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्टेज नज़र आ रहा है, जिसपे स्टेज बना, स्टेज पे जो है यहाँ से जो है एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से लोग जो है आए हैं, यहाँ पे जुड़े हैं। आप भी हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हमारे लाइव अपडेट को देखते रहिए, हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले भी हमने आपको बताया था, दिखाया था कि किस तरह से जो है पूरे देश में, बल्कि नहीं पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जगह जगह पे जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ठीक उसी तर्ज पे आज फिर से पार्क सर्कस में नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। स्टेज पे देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे मकसद है आज का प्रोग्राम का। तो इसलिए और एक दो बात समझ करके आखिरी करते हैं, उसके बाद माइक दूसरे के हवाले। ईमान साहब तशरीफ ला चुके हैं और ईमान साहब माशाल्लाह हर वक्त हर मुद्दे में एक्टिव रहते हैं। साथ खान साहब से गुजारिश करें जो ईमान साहब को लेकर के ऊपर आ जाए। हेलो, एक दो बात और है कि लोग कह रहे हैं, नारा लगाइए कि हमारे पहले 10 तारीख को आवाज फाउंडेशन के तरफ से नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह का यहाँ पे हम लोग सभी ने मिल के उनसे एक दरखास्त किया गया था सरकार से कि उनको अरेस्ट किया जाए। उन्होंने जो नबी को लेकर जिस अपमानजनक जो किए हुए, उससे हम सभी के, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम सभी भाइयों को ठेस पहुँची है। क्योंकि देखिए, एक माँ के पेट से जब जन्म लेते हैं वो कभी किसी को पूछता नहीं है कि वो हिंदू के घर से जन्म लेंगे कि ईसाई के घर से जन्म लेंगे या सिख के घर से जन्म लेंगे या मुस्लिम के घर से जन्म लेंगे। क्योंकि हम लोग को बचपन से ही आज तक एक ही सीख सीखते आए हैं कि हिंदू एक है, मुस्लिम एक है, सिख एक है, ईसाई एक है, सभी में जिसमें सबका मालिक एक बोला जाता है। तो जब हम लोग इस तरह से बैरे हुए, तो आज जब नबी को लेकर अपमान किया है, तो नबी भी तो हमारे भगवान हुए। तो इससे और एक चीज़ आता है कि आज नुपुर शर्मा, आज इतना दिन हो गए, जबकि 14 दिन हो गए, 14 दिन के बाद आज सरकार के तरफ से किसी तरह का कोई भी खबर नहीं आ रहा है, जबकि अरेस्ट करने का बात था। तो आज भी इसी बात को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग सभी यही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरह का विवाद लेकर चल रहा है पॉलिटिक्स, ये बहुत ही नाजुक स्थिति में है, सही नहीं है। तुरंत इसका फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आने वाले दिन में और भी दंगे फसाद हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को गिरफ्तार किया जाए। सर, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे। ये जो स्थिति आज हमारे देश में, नुपुर शर्मा जिसे कोलकाता में 20 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा गया था, एक रिपोर्टेटेड पर्सन है नुपुर शर्मा, एक लॉयर भी है, फिर भी वो हाजिर नहीं हुई और आज गायब है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, वो ना हिंदुइज्म से चलता है, ना इस्लाम से चलता है, ना सिखिज्म से चलता है, ना क्रिश्चियनिटी से चलता है। जब कोई देश, किसी देश की बुनियाद कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है, तो उसकी सरकार जब कॉन्स्टिट्यूशनली बनती है,
तो वहाँ पर नुपुर शर्मा जैसे कोई अगर स्पोक्स पर्सन टीवी पर आकर किसी भी रिलीजियस के अगेंस्ट में अपनी बात अगर रखता है तो वहाँ भी सेक्शन 295 की उल्लंघना होती है। तो नुपुर शर्मा को आज से जो 14-15 दिन पहले जो बीजेपी ने या गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया, जो भी किया, वो इस बात का सबूत है कि उसने गलती की है। अगर गलती की नहीं होती वो अपनी सीट पर बरकरार रहती और कानून आ गया, दैट मीन्स उसने गलती की है। अगर गलती नहीं की होती तो एज इट इज़ वो अपनी पोजीशंस पर रहती। पोजीशन से लैग डाउन करने का मतलब ही है समथिंग उसने ऐसी बात कह दी है जो बात देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होती है। बाकी सारी चीज़ें बाद में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले है। दुनिया का कोई भी, इंडिया का कोई भी जज, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर या मैं आप कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। हम लोग सारे काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हम मेरे और आपको जो बोलने और सुनने की आज़ादी है यह भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। ऐसे में नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में जो केस फाइल हुआ है, जितनी FIR देश के कोने कोने में हुई है, ये भले ही मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ कानून को भी दबाया जा रहा है। आप मुस्लिम कम्युनिटी को दबाइए, हमें वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं करने का क्योंकि आपकी सरकार है, लेकिन आप कानून को नहीं दबा सकते। कानून अगर दबता तो करीब हम लोगों का एक ही कहना है कि नुपुर शर्मा को सजाए मौत दिया जाए। जो ऐसा अल्फाज किए, पहले तो उसका जवान काटा जाए, फिर उसे सजाए मौत दिया जाए, ताकि वो दोबारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को ऐसा ना बोले। एक तरफ बीजेपी उसको बर्खास्त करती है, एक तरफ बीजेपी उसको बर्खास्त करती है, और दूसरी तरफ जब असेंबली में प्रस्तावित पास करती है ममता बनर्जी, तो शुभेंदु अधिकारी हाउस छोड़ के चला जाता है। इसके बारे में क्या बोलना चाहती है? दोहरा चाल चल रहा है इसके बारे में, तो हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। अभी तक तो ममता दीदी हम लोगों के साथ सब अच्छा पेश आई है, तो हम लोग ममता दीदी के बारे में कोई खराब बात बोल नहीं सकते। इसका फेवर में बात की है तो वो उसका फेवर में बात कर दिया, शुभेंदु अधिकारी फेवर किया, इसीलिए तो हाउस छोड़ दिया। इसके बारे में क्या बोलना चाहती है? ये तो हम लोग नहीं जानते, तो कैसे बोले। अच्छा, प्रोटेस्ट में कितना दूर तक ले जाइएगा आप लोग? ये जब तक का उसको सजाए मौत नहीं मिले, जब तक का उसके जवान नहीं कटे, तब तक का ये चलता रहेगा। अगर से हम लोग को रोड में बैठना पड़े, रोड में बैठ जाएंगे। अगर से हम लोग को रोजा रखना पड़े, रोजा रख लेंगे। हम लोग को सर में कफन बांधना पड़े, वो भी बांध लेंगे। आखिर आप लोगों का आखिरी डिमांड क्या है? हम लोग का आखिरी डिमांड यही है कि उसको सजाए मौत दे, ताकि वो दोबारा किसी के बारे में बोले नहीं। आज हम लोग के बारे में बोले, कल मुस्लिम, कल हिंदू धर्म में बोलेगी, कल क्रिश्चियन धर्म में बोलेगी, और वो ऐसा गलती नहीं करे। वो हम लोगों को नहीं बोली, अल्लाह के बाद में जो मेरे हुजूर है उनके बारे में बोली। ऐसा वो नहीं बोलती तो अच्छा होता, बहुत गलत बोली। आप लोग इस मजमा को बुला के उसको सजा दिला पाइएगा या कानूनी पेशताओं में जाइएगा? हम लोग पहले पहले हम लोग कानूनी करेंगे। आप लोगों ने FIR किया है उसके खिलाफ? सब कुछ किया है, सब कुछ किया। अभी उसे कहाँ छिपा के रखे हैं मालूम नहीं है। 20 तारीख को तो उन्हें कलकत्ता आने का था। और क्या बोलना चाहती है आप? क्या वादा देना चाहती है लोगों को? हम लोगों को यही कहना है कि नुपुर शर्मा को सजाए मौत दिया जाए, ताकि वो दोबारा ऐसा गलती नहीं करे, और कोई ऐसा गलती नहीं करे। मेरे हुजूर के बारे में बोली, ये बहुत गलत है। आज कांग्रेस का गया पास मैदान में, देखा जा रहा मैदान में हो रहा है। आप रोड पर आ गए, क्या सरकार आपको कितना सपोर्ट कर रही है, कितना सपोर्ट नहीं कर रही, इसके बारे में आप बताइए। तो सरकार जो है और
आपको गले लगाने का काम करेगा। ये पैगाम दिया और ये हम लोग को टीचिंग कर रहे हैं, तालीम दी है। आखिरी मुद्दा जब तक अरेस्ट नहीं होगा, चाहे बंगाल की सरकार साथ दे या ना हो, बंगाल के मारुति के नेता खड़े हो या ना हो, बंद करके रहेगा बोले या ना बोले, एक नेता हर एक उम्मती फैसल खान जैसे हजारों करोड़ों उम्मती यहाँ पे मौजूद है, कोई भी डरने वाला नहीं। और इस्लाम डरने वाला कौम नहीं, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसको कोई निशान की जाएगी तो हम एक तरीके से अब गुलाब का फूल बढ़ा कर उसको जवाब देंगे कि आप इस बात को खत्म करते हैं। सरकार को सेकुलर सरकार जो मुसलमान का वोट लेकर सरकार बनाते हैं, उस सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आखिर आपके मायावती के नेता पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते हैं? आप जो कहते हैं कि आप बंगाल से नहीं आप दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करें, अगर आपकी सरकार आपके नेता आपके पार्लियामेंट में एमपी जो वहाँ अगर आप प्रोटेस्ट करते अगर वहाँ जवाब मांगते तो हम लोग हम लोगों का साथ राज क्या है, नहीं तो ऐसा नहीं कि चेयर के बदले में आप अपना ईमान को बिक्री करते रहे, तो शर्म से डूब जाइए। ऐसे नेताओं को मुसलमान होना चाहिए, आने वाले वक्त में ये मुसलमान जवाब देगा ऐसे नेताओं को, उनको कत्ती देना है या उनको फेंक देना है।